डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस का डिस्कशन हमें करना है। स्ट्रेट लाइंस हम सीखते हैं, तो आइए आप साथी बने हैं, स्ट्रेट लाइंस हम डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ स्पेसिफिक लाइंस की बात करेंगे। तो मैं आपको पहली जो लाइन है उस लाइन को बताने से पहले पहले मैं आपको स्लोप बता दूं कि स्लोप क्या होता है इसमें। तो स्लोप ऑफ अ लाइन इज स्लोप ऑफ अ लाइन, मैं यहां लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज टेन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की जो पॉजिटिव डायरेक्शन है उससे जो लाइन एंगल बनाती है उसका टैन, मतलब ये अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो नेचुरली ये एंगल भी थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, सारे एंगल थीटा है। तो जब इसका टैन ले लेंगे, टैन ऑफ थीटा, तो ये टैन ऑफ थीटा क्या बनेगा दोस्तों? ये टैन ऑफ थीटा इसका स्लोप बनेगा। और स्लोप इज यूजुअली डिनोटेड बाय एम। स्लोप को किससे डिनोट करेंगे? एम से डिनोट करेंगे। तो एम इज स्लोप, स्लोप इज टैन थीटा। तो पहली बात हो गई स्लोप के बारे में। ये स्लोप इसमें तीन तरह से है। अगर स्लोप एंगल विद एक्स एक्सिस दिया है तो एंगल ऑफ लाइन विद एक्स एक्सिस, तो फिर कभी आपको दो पॉइंट दिए हैं तो, और कभी कभी आपको अगर लाइन की इक्वेशन दी है तो स्लोप निकालने के तीन तरीके हमारे पास। अभी जो पहला तरीका और इम्पॉर्टेंट तरीका था वो ये था, एम इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये जो एंगल है, एंगल मेड बाय लाइन, कोई सा भी एंगल नहीं, केवल यही एंगल। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल। और कैसे मेजर करना है हमें? कोई भी एंगल नहीं, ये वाला एंगल। और कैसे मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। तो मान लो कि कोई लाइन है जो इससे 45 डिग्री का एंगल बनाती, मान लीजिए ये लाइन है 45 डिग्री का एंगल बनाती, जाती कहाँ से इस पर नहीं डिपेंड करेगा, ये लाइन इससे 45 डिग्री का एंगल बनाती, तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप हो जाएगा टेन ऑफ 45 डिग्री, टेन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू वन। अच्छा, एक और बात मैं बताऊँ आपको, स्लोप और ग्रेडियंट, कभी कभी ग्रेडियंट लिखा रहता है, ग्रेडियंट ये भी एक ही चीज है। और इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है वो, ये सब एक ही चीज है। और बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई चिंता नहीं करें। मान लीजिए कि कोई दूसरी लाइन ले आप, ये फॉर एग्जांपल हमने एक केस लिया, अब मैं दूसरा केस आपको लेके बताता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये लाइन है और ये लाइन आपकी यहाँ से जो एंगल बना रही है 30 डिग्री है, ये कितना है? 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री बना रही है तो ये 30 डिग्री, तो नेचुरली ये वाला एंगल नहीं लगेगा, एंगल कौन सा लगेगा? ये वाला एंगल। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है आपका 150 डिग्री। तो ये वाला एंगल लगेगा 150 डिग्री वाला, क्यों? क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव कौन सी है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बनाना और उस एंगल का टैन लेना। तो इसका एम कितना हो जाएगा? टैन 150 डिग्री। तो टैन 150 डिग्री आपको मालूम है, टैन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री माइनस कॉट 60 डिग्री, माइनस कॉट 60 डिग्री मतलब माइनस 1/√3, माइनस 1/√3। तो ये इसका एम है, ये इसका स्लोप है। अब थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आई होगी मेरी, तो आपको थोड़ी सी एक और इंटरेस्ट की बात बताता हूँ कि कोई लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और फिर आप इसको रिकॉर्ड में भी रखना, ये बात को आप रिकॉर्ड में रखना, ये लाइन किसको पैरेलल है? ये लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू, बड़ा लिख देते हैं, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है तो थीटा कितना है, इस केस में थीटा कितना होगा, इस केस में थीटा 0 डिग्री होगा, और एम क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 0 डिग्री। टेन ऑफ 0 डिग्री मीन्स 0। अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तब क्या होगा, तो देखिए अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना दी, ये वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये कितना बना रही है एक्स एक्सिस से एंगल, ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है 90 डिग्री। 90 डिग्री कहो आप या पाई बाय टू कहो, ये एंगल बना रही है 90 डिग्री। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो इसका स्लोप होगा एम इज इक्वल टू टेन 90 डिग्री। टेन 90 डिग्री कितना होगा, इनफाइनाइट होगा। आप इसको स्लोप को ऐसे समझते हैं, देखिए जैसे स्लोप कैसा होता है, हमारी जो धरती है जहाँ पर हम चल रहे होते हैं, इसका स्लोप क्या है, तो इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप होगा 0, है ना भाई, सीधी है, इसको बोलते हैं कि प्लेन सरफेस है, समतल जगह है, तो इसका स्लोप निश्चित रूप पे 0 होगा। अब आपने जो फिसल पट्टी देखी होंगी, जो स्लाइडर जिसको बोलते हैं, जो फिसलने वाली चीज है, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप आपने देखा होगा, रास्तों में देखा होगा जब चढ़ाई आती होगी, तो जब जो ऐसी चढ़ाई है जो, तो आप क्या बोलते हैं कि इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कैसा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में स्लोप इंक्रीज हो रहा है। लेकिन कभी आप मान लीजिए कि ऐसा ही हो जाए तो आप इस पर चल सकते हैं क्या, आप इस पर नहीं चल सकते। जैसे पहाड़ों का स्लोप ज़्यादा होता है, इसका स्लोप कितना हो गया, तो इसका स्लोप इस केस में कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इसका स्लोप इनफाइनाइट हो गया, कितना हो गया, इनफाइनाइट। और फिर दूसरी बात, अगर लाइंस पैरेलल हो तब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन अगर थीटा एंगल बनाती है, तो जो इसके पैरेलल है तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी पता होगी, ये भी कितना एंगल बनाएगी, ये भी एंगल कितना बनाती है, ये भी एंगल बनाती है थीटा, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप्स, दोनों का स्लोप कैसा होगा, सेम, क्योंकि दोनों कितना बना रही है, थीटा थीटा बना रही है, तो इसका स्लोप भी क्या होगा, इसका स्लोप भी होगा टेन थीटा, और इसका भी स्लोप कितना होगा, इसका भी स्लोप क्या होगा, टेन थीटा होगा। तो जब आपसे पूछेंगे कि एम इज इक्वल टू कितना है, 0 है, स्लोप कितना है, 0, अगर लाइन किसको पैरेलल है, एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, दोस्तों एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 ही होगा, क्यों, एक्स एक्सिस इसको पैरेलल ही तो है, जब इसका 0 तो इसका भी 0 हुआ ना, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं। और इसमें भी देखिए आप, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस भी कितना होगा, 0 होगा, इन्फिनिटी होगा, क्यों इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ये देखा आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना है, इन्फिनिटी है, तो y एक्सिस का भी स्लोप क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। अब देखिए, अब आपको मैं दूसरी और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अगर दो लाइंस, अब जब हमने पैरेलल की बात कर ली है तो नेचुरली अब डिस्कशन होना है परपेंडिकुलर पे, तो दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कीप दिस थिंग इन माइंड। तो इस स्लोप का बहुत अच्छा और हेल्दी डिस्कशन हो गया, वो जो कि आपके दिमाग में लंबे समय तक रहेगा, टेंथ के जो कंसेप्ट हैं आपके वो आपको याद ही होंगे, नहीं होंगे तो जब ज़रूरत आएगी तो मैं आपसे डिस्कस करते रहूँगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहना, आप अपनी सारी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई दो लाइन्स, ये तो एक्सेस बना दिए, एक लाइन आपकी ये है, दूसरी इसके परपेंडिकुलर लाइन है, ये लाइन आपकी मान लीजिए कि ये लाइन है आपकी L1, ये लाइन आपकी क्या है M1 है, M1 मतलब स्लोप नहीं, आप चाहें तो इसको L2 बोल दें, आपको कंफ्यूजन नहीं हो क्योंकि हम स्लोप को नाम देंगे,
है ना, ये लाइन है L2, ये लाइन से दोनों L1 और L2, ये मान लीजिए कि ये एंगल कितना बनाती है, ये मान लीजिए कि एंगल थीटा बनाती है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, स्लोप ऑफ L1 होगा M1, मान लीजिए M1 है, टेन ऑफ कितना हो गया स्लोप ऑफ M1, टेन ऑफ थीटा, इसका स्लोप क्या होगा, तो देखिए ये एंगल कितना है, मैंने कहा ना ये दोनों परपेंडिकुलर है, कैसे हमारी पहले से ही अजम्पशन है, L1 इज अगर परपेंडिकुलर है L2 को, L1 अगर L2 को परपेंडिकुलर, बहुत अच्छे बेसिक कंसेप्ट हैं, आप दिमाग में बिठाएं, इसके बाद ही आप आगे का कोऑर्डिनेट और जो स्ट्रेट लाइन से उसको समझ पाएंगे, आप ये दिमाग में बेसिक बातें इनको बिठा के रखें, बहुत बेसिक डिस्कशन से हमने चालू किया है, आप किसी भी दोस्त को बता सकते हैं, खुद भी आगे कभी भी आपको बढ़ना हो एक बार इसको पढ़ा फिर इसके आगे गए तो आपको सब कुछ क्लियर होगा। चलो अब ये मान लीजिए थीटा है, ये कितना है आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होने वाला है आपका 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा, पर इसके स्लोप के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, इसके स्लोप के लिए इसकी ज़रूरत होती है, तो अगर ये 90 डिग्री माइनस थीटा आया तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल होगा दोस्तों 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस थीटा, सॉरी माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस नहीं है ये माइनस है, अब 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा निकाल देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा इसका, इसका स्लोप हो जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ L2, L2 का स्लोप हो जाएगा M2, क्योंकि उसको M1 नाम दिया तो इसको M2 नाम दे देते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से M1 हटा दिया था, लाइन का नाम L1 और L2 रखा, तो ये हो जाएगा बच्चों tan, बहुत सिंपल है, बस देखो धीरे धीरे देखते जाओ, और ये आप ये इस दिमाग से निकाल दें कि ये लास्ट ईयर की ज्योमेट्री जैसा है, जिसमें कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल होते थे और सिमिलर ट्राइंगल्स होते थे, बीपीटी थी, पाइथागोरस था, इस तरीके का नहीं, ये बहुत सिंपल है और ये इसका मैकेनिज्म भी बहुत अच्छा है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा क्या होगा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा, तो माइनस कॉट थीटा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे वापस लिखता हूँ, एम टू इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और आप जानते हो M2 इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम कॉट थीटा को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन थीटा, अगर मैंने माइनस वन अपॉन टेन थीटा, देखो आप क्या है, टेन थीटा क्या है, यहाँ पर देखो आप इसको, इसको नंबर दे दिया वन, तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू M1 है, कहाँ से लिखा हमने ये वैल्यू, फ्रॉम वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपसे डिस्कस किया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम का है, एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, यानि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, इज इक्वल टू माइनस वन, कब, जब लाइंस परपेंडिकुलर हो, अगर लाइंस परपेंडिकुलर है, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू वॉट, माइनस वन, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स माइनस वन है, तो मान लीजिए कि अगर आपको एक क्वेश्चन दे दें, एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर होगा, तो अगर आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ स्लोप ऑफ अ लाइन इज वन बाय थ्री, देन स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी, परपेंडिकुलर लाइन विल बी, तो
इसका स्लोप m1 कितना है आपको दिया है 1/3। परपेंडिकुलर का स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, तो मान लीजिए कि स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, m2 मान ले, तो आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी समझ में आ जाएगा। स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर मान लो m2 है, तो अगर लाइंस कैसी हैं आपस में, इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे को कैसी हैं, परपेंडिकुलर है, सिंस लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप धीरे से इसको इसमें बिल्कुल चिपके रहें, लेकिन हाँ अगर आपको बेहतर समझना है और आपको धीमे धीमे समझ में आ रहा है तो आप वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं, और नहीं देख सकते या रिवाइंड नहीं भी करना है, ऐसे ही समझ में आ रहा है तो इसी पेस में इसी स्पीड से आप समझते रहें। तो लाइंस क्या हैं आपकी, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा m1 into m2 कितना होगा -1, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 1/3 into m2 is equal to -1, तो m2 is equal to क्या हो जाएगा, m2 is equal to -3 हो जाएगा, m2 equal to -3 हो गया। तो ये आपका एक कंसेप्ट बन गया। चलिए अब हम आगे का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, डेरिवेशन है, जहाँ से स्ट्रेट लाइन का श्री गणेश होता है, उस फॉर्म को, उस फॉर्म को, लाइन के उस फॉर्म को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। कौन सा फॉर्म कहते हैं, नाम से ही पता चल गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगा तो आप अगला वाला सीखेंगे, स्लोप पॉइंट, फिर टू पॉइंट, फिर इंटरसेप्ट, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें लाइन की इक्वेशन निकालना है, जबकि अपने को क्या दिया है वो गिवन कंडीशन नोन होती है, मालूम होती है, तो मैं लिखता हूँ आपको, धीरे धीरे आप भी नोट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप m एंड मेक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट इंटरसेक्ट नहीं इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ c, c हम पॉजिटिव मानेंगे है ना, ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है और इसका कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए, जब ये आप कंसेप्ट सीखेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए आप इसका सबसे पहले फिगर बनाते, फिर फिगर बना करके एक एक चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, सारी चीज़ों को हम तार तार कर देंगे, तार तार करके मतलब कहने का कि सारी चीज़ों को बहुत क्लियर कर देंगे। 18 मिनट हुए हैं लगभग और हम दूसरे मोड पे स्विच कर गए, और एक चीज़ को सीखने के लिए अगर आप 10 से 15 मिनट देते हो तो कोई बहुत बड़ा समय का मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं है, और ये तो मेरे बच्चों ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग लाइफ है, आपको हमेशा काम आने वाला है, और आपका एक बार कंसेप्ट बन गया तो वो जीवन भर आपके साथ रहेगा। देखिए ये पहले तो हमने क्या बना लिया, आप देख लें, पहले हमने पहले कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया, अब हमारी जो लाइन है वो लाइन इस तरह से, इसी तरह से क्यों है, क्योंकि आपको एक बात दी है कि इसका स्लोप क्या है, एम ए, स्लोप एम ए, और ये लाइन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट का मतलब भी काटना ही होता है, तो इंटरसेप्ट y एक्सिस को काटती है, कितने डिस्टेंस पे काटती है आप देखो, y एक्सिस को काटती है c डिस्टेंस पे, इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ c, ये लेंथ c है, ये लेंथ c है, c डिस्टेंस पे y एक्सिस को काटती है, और इसका स्लोप कितना है m, अगर स्लोप m है तो बिना एंगल के तो स्लोप आएगा नहीं, तो बिना एंगल के नहीं आएगा तो मेरे बच्चों इसका एंगल मान लेते हैं अपन एंगल थीटा, मान लिया कि थीटा एंगल है, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी ऑटोमेटिकली हो जाएगी tan थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक c डिस्टेंस है। अब ये पहला क्वेश्चन है, डेरिवेशन है,
है ना। तो डेरिवेशन में आप सुनो कि आप लाइन को किससे बना हुआ मान सकते हो, तो अ लाइन इज फॉर्म्ड बाय इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, एक लाइन को इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स से बना हुआ मान सकते हैं। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पॉइंट कहीं पे भी ले सकते थे इस पूरी लाइन पे, अक्रॉस द लाइन मतलब कहीं पे भी ले सकते हैं। और लाइन कहाँ तक होती है, लाइन इनफाइनाइट तक फैली होती है। लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस है बच्चों, लाइन सेगमेंट है फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, और लाइन कहाँ तक होगी, लाइन इनफाइनाइट तक होगी। तो इस पे हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, इस साइड ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, डेरिवेशन अपना आसानी से होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई वाई, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, ये डिस्टेंस आपकी हो गई एक्स। अब मैंने यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ये यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये डिस्टेंस कितनी है हमारी, ये अगर ये डिस्टेंस एक्स है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये एरो बना दिया, ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस एक्स होगी। और ये डिस्टेंस की अब बात करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस है वाई, इसमें से ये डिस्टेंस सी माइनस की, तो ये वाई माइनस सी, नाम दे दें इसमें ओ ए बी और पी, ये उसके जैसा नहीं है जैसे टेंथ क्लास में करते हैं दिस माइनस दिस दैट माइनस दैट, बहुत लंबा लंबा काम, इसमें डायरेक्ट काम करते हैं। तो ये राइट ट्राइंगल लिया हमने, इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, ए बी पी, ए बी पी, ए बी पी लेंगे तो ये अगर एंगल थीटा है तो नेचुरली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, कौन सा वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा होगा। अगर हो सके तो मैं आपको इस फिगर को रब करके एक नया फिगर भी बना सकते हैं, वैसे होपफुली मुझे क्लियर है, आपको क्लियर है, और ये तो वीडियो है तो वीडियो में आप कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो आप उसको रिवाइंड करके देख ले। तो ये अगर थीटा है, कौन सा वाला एंगल थीटा है, तो मैं यहां लिख देता हूं कि कौन सा किस वजह से हुआ। अगर आप इसको नाम नहीं दिया है तो इसको एक काम करें, इसको नाम दे देते हैं क्यू, क्यू, तो एंगल कौन सा वाला है, ए क्यू ओ, ये कितना है, थीटा है। तो ये वाला एंगल पी ए बी भी क्या होगा, पी ए बी, ये भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, हालांकि यहां लिखने की जरूरत नहीं है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से ये भी थीटा होगा। ये भी मैं आपको समझा देता हूं, इसको नाम दे देते हैं हम डी, नाम दे देते हैं। ओडी कितना है आपका, ओडी एक्स है, और ए बी भी आपका क्या है, एक्स है, और पीडी, पीडी कितना है, पीडी आप देख लो वाई, लेकिन हमें तो निकालना पी बी, तो पी बी कितना होगा, पी डी, पी डी माइनस, ये पी डी, इस पी डी में से बी डी माइनस किया, बी डी क्या चीज है, तो बी डी क्या चीज है, बी डी तो इंटरसेप्ट है ना, बी डी जो क्वेश्चन में दिया है आपको, बी डी सी, क्या चीज है ये, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। चलो अब ये बहुत और अच्छा बन गया, आप क्योंकि बिगिनर हो, छोटे बच्चे हो, तो आपको थोड़ा सा समझने में अब आसानी होगी। अब इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी राइट ट्राइंगल में टेन थीटा कितना होगा, टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर कितना है, आप देख लो परपेंडिकुलर कितना है आपका इस वाले ट्राइंगल में, ए बी पी में परपेंडिकुलर है आपका बी पी, और बेस कितना है आपका ए बी। अब बी पी देखो आप कितना है, तो बी पी निकाला नहीं ना मैं, पी बी और बी पी तो एक ही चीज है जानते हो आप, तो इसको बी पी भी लिख सकते, तो बी पी इज पी डी माइनस, तो ये लिख दिया आपने पी डी माइनस दिस, तो पी डी कितना है आपका, पी डी है वाई, बी डी कितना है यहां से, बी डी है ये, बी डी सी है, बी डी किसके बराबर है, ए ओ के बराबर है,
तो ये सी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, बीपी, बीपी की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ, तो ये यहाँ तक में सब खत्म हो जाएगा, वाई माइनस सी अपॉन ए बी की वैल्यू एक्स है, ठीक है। अब टेन थीटा को क्या लिखते हैं अपन, देखो टेन थीटा इज वॉट, टेन थीटा इज एम, तो एम इज इक्वल टू वाई माइनस सी अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा आपके पास एम एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस सी, यानि y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी को उधर भेज दो, यही है वो, यही वो लाइन है जिसको क्या कहते हैं, दिस इज द लाइन विच इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये रब कर देता हूँ, आपके पास कंप्यूटर है मॉनिटर है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से आगे पीछे करके इसको नोट कर सकते हैं, एक बार नोट जरूर करिए, मेरी सलाह है आपको, क्योंकि जब तक आप खुद लिख के देखेंगे नहीं तो आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, बेशक आपको चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म, आपको स्लोप दिया हो पॉइंट दिया हो तो लाइन का स्वरूप होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे होंगे, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखो कि अगर आपको दे दिया फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से चलते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस भी लिख सकते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट, मेक्स भी आ सकता है और कट्स भी आ सकता है, कट्स इसका अप्रोप्रिएट वर्ड है, कट्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ कट्स इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 यूनिट ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। तो अब आपको एक झटके में बात आ गई कि क्या क्या गिवन है, अब फिगर भी नहीं बनाना आपको, क्या क्या गिवन है सॉल्यूशन में लिखो, गिवन क्या है, थीटा कितना है 30 डिग्री, पर एम निकालना होगा ना इसके लिए, तो एम इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा, टेन 30 डिग्री, और सी कितना होगा, सी भी दिया हुआ इसमें, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो सी इज इक्वल टू 3 है, अगर नेगेटिव साइड दे देता तो उसकी वैल्यू क्या कर देते हम, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देते, तो C की वैल्यू आप बदल देते, C की वैल्यू क्या कर देते, प्लस 3 की जगह माइनस 3 ले देते, तो ये क्या हो जाएगा फिर, देखो ये कितना हो जाएगा, अब मैं ये आपको देखो, तो ये आपकी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें वैल्यू बस डाल दीजिए आप, तो ये आपका आंसर बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/√3 एक्स प्लस 3, ये आपका आंसर है। चाहे तो आप उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके एलसीएम लेके ये लिख दे, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 3√3 अपॉन √3 उधर भेज दें, √3y, और चाहेंगे तो x और y को एक तरफ कर दें, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू x माइनस √3y प्लस 3√3, ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। अगर आपको दूसरा मैं देता हूँ आपको, तो आपको और दिमाग अच्छा खुलेगा आपका, फिर आपको कोई रिक्वेस्ट होगी तो आप जरूर से बताइए।
कोशिश मेरी है कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लास हो तो उसमें आप समझ सकते हो कि सारी चीज़ें अपने दिमाग में रख के पढ़ाना पड़ती है, क्योंकि आपसे मेरा कोई डिस्कशन या डायरेक्ट जो इंटरेक्शन होता है वो नहीं होता है। ये बायलेटरल नहीं है, ये यूनिलेटरल है। मैं बोलता हूँ, आप समझते हो, तो मुझे सब दिमाग में चीज़ें रखनी पड़ती पहले से। तो अब दूसरा केस, फिर भी आप लिखिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन, या एक काम करते अ लाइन की जगह लाइंस कर देते हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशंस ऑफ लाइंस विच मेक इक्वल एंगल्स विद एक्सेस, दोनों एक्सेस से बराबर एंगल बनाए, एंड पासेस थ्रू, ये एक इंपॉर्टेंट काम भी होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से जाए भी। तो बस अब आप इसको फिगर दिमाग में रख लो कि ये फिगर कैसा हो सकता है कि दोनों से बराबर एंगल बनाए और ओरिजिन से जाए। तो कौन सा केस हो सकता है जो दोनों से बराबर एंगल बनाए और ओरिजिन से जाए? तो मैं आपको दोनों का ये फिगर बनाता हूँ। देखो, एक तो ये आपके दिमाग में जच गया होगा, ये वाले में थीटा कितना होगा, 45 डिग्री। ये देखो एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कैसा एंगल बना रही है, बराबर एंगल बना रही है और यहीं से जा रही है। तो क्लियरली सी कितना है, सी कितना है इसमें? अरे भाई, ओरिजिन से पास हो रही, तो सी कितना होगा उस केस में? जीरो होगा ना। सी क्या डिस्टेंस है ओरिजिन से, जहां वाई एक्सिस को काटे? तो ओरिजिन से वाई एक्सिस को कहां काट रही है? तो ये मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ओरिजिन है। अब यहां से अगर ऊपर काटती तो फिर नापते, लेकिन ये तो यहीं से जा रही है, तो इसका मतलब सी जीरो हो गया। और एम क्या हो गया? एम हो गया 10 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो लाइन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 1x प्लस सी। तो 1x प्लस 0, तो y इज इक्वल टू 1x प्लस 0, तो y इक्वल टू x हो गई। अब लेकिन दोस्तों, इसमें एक और छोटा सा पेच है कि इसमें एक और लाइन पॉसिबल हो सकती है। वो लाइन कौन सी पॉसिबल हो सकती है? तो ये दूसरी वाली लाइन, ये वाली पॉसिबल हो सकती है। ये भी तो इधर से और इधर से बराबर एंगल बना रही है, पर m जब लेंगे तो वो नापेंगे यहां से मेजर होगी वो। m के लिए इससे यहां से नापना है आपको, बेशक ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, बराबर बात, दैट आई एग्री, पर m के लिए ये वाला एंगल लगेगा और कोई दूसरा एंगल नहीं लगेगा। c तो जीरो ही है क्योंकि ओरिजिन से जा रही है, और m कितना हो जाएगा? 10 135 डिग्री। तो 10 135 डिग्री कितना हो गया? -1। और c कितना हो गया इस केस में? 0। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन तो वही बनेगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल टू -1x, तो -x। तो दोस्तों, ये जो दो लाइन्स आई हैं, कौन कौन सी, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, इनको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड बायसेक्टर्स। इनका नाम भी है बायसेक्टर। बायसेक्टर मतलब क्या होता है? जो दोनों को बराबर बराबर बांटे। तो बायसेक्टर्स ऑफ एक्सेस, बायसेक्टर्स ऑफ व्हाट? बायसेक्टर्स ऑफ एक्सेस। ये जो दोनों एक्सेस है ना, इनका बायसेक्टर, इनके दो बायसेक्टर है। 34 मिनट लिए मैंने दोस्तों, मैंने 35 मिनट्स लिए, लेकिन हमने काफ़ी इसको बेसिक से लेके समझा, तो आपको इसमें आपको काफ़ी मदद मिली होगी। और मैं लेक्चर्स को और लेक्चर और बढ़ाना नहीं चाहता हूँ। नई बात जो है, मैं नए लेक्चर में डिस्कस करूँगा आपसे। और ये यहाँ आपने देख लिए, बायसेक्टर्स तक हम पहुँच गए। क्या क्या हमने डिस्कस किया आपको मालूम है? आज हमने स्लोप डिस्कस किया, और फिर हमने स्लोप के अलग अलग पैरामीटर्स देखे कि कब स्लोप क्या होगा। दूसरी बात हमने देखा स्लोप पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जिसका डेरिवेशन देखा, क्वेश्चन देखे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर आपने डेवलपमेंट शुरू से ध्यान से देखा होगा तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना इजीली समझ में आएगा जिसका जवाब नहीं। और ये ध्यान रखें कि ये ज्योमेट्री जैसा नहीं है जैसे लास्ट ईयर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट।
और बहुत सरल है, आप साथ बने रहेंगे, सारे वीडियो सारे चीज़ें सीक्वेंस में देखते रहेंगे तो मैं आपकी हमेशा मदद कर पाऊंगा। और आई एम एट योर डिस्पोजल। मेरा नंबर अगर आपने नोट नहीं किया तो नंबर नोट कर लें, 9+91, ये कोड है अपने इंडिया का, 9685669805। मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी, PhD इन मैथमेटिक्स ओनली, केवल मैथमेटिक्स में ही हूँ, दूसरे सब्जेक्ट में PhD नहीं हूँ। और आपको मेरा साथ मिले और मुझे आपका मिले, आपका ये अपना चैनल है, इसको आगे बढ़ाएं, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जहाँ तक, दूर दूर तक, जहाँ सुविधाएँ कम मिल पाती हैं। आपको आपके देश की स्थिति मालूम है, बड़ा रूरल एरिया है, बड़ा ट्राइबल एरिया है, जहाँ सुविधाएं इतनी नहीं मिल पाती, वहाँ तक पहुँचे। तो इसके लिए आप लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें, थोड़ी सी तकलीफ होगी पर शेयर करेंगे तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको अगले अपडेट्स मिलते रहें, आप मुझसे जुड़े रहें। चैनल में मैं कोई भी, इसमें हिडन इंटरेस्ट नहीं है, केवल ये सर्विस के लिए है, सर्विस टू स्टूडेंट्स ओनली। विश यू ऑल द बेस्ट।